सो लाइक वी टेक तो खैर ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड खैरस्टैंड एजन कॉपी राइट का बड़ा इशू रहा है और बड़ा बड़ा आप लोगों ने बैटल भी किया है ऑब्वियसली उस जमाने में आ, आ, जो है ये काजा और लाइम बायर और इन्होंने लोग पूरे पूरे एल्बम पूर, पूर पूर उतार लिए दो सौ रुपए की सीड <coughs> खरीद रहे एंड दैट्स योर ब्रेड एंड बटर लाइक यू नो इट टेक्स अ लॉट टू कंपोज वन सॉन्ग महीनों महीनों का प्रोसेस होता है hmm. और कोई बड़े आराम से बटन दबा दे और डाउनलोड करके सुन ले आपको एक रुपया भी ना मिले राइट right. तो हाउ हैज दैट चेंज नाउ मतलब इन टर्म्स वन वी टॉक अबाउट आर्टिस्ट की मोनिटाइजेशन क्या वो पहले से बेहतर हुई है और अगर हुई है तो फिर वो कैसे हुई है किन तरीकों राइट इंटरेस्टिंग आई थिंक पहले तो कुछ पता ही नहीं होता था इवन uh, थोड़ा सा पीछे हम चलते हैं जब किसेट्स और सीरीज आई थी तो हमें यह भी नहीं पता होता था कितनी बिकी है पाकिस्तान में हमें बताया जाता था कि इतनी हैं रिकॉर्ड तोड़ दिए आपने अब वो रिकॉर्ड हमें कैसे पता है कि वो सही है या नहीं तो अगर रिकॉर्ड टूटा है जिस तरह बोन एलम का गोल्डन सीडी और रिकॉर्ड टूटा है तो हमें भी बेनिफिट फिर उसका मिलना चाहिए तो ये प्रॉब्लम अभी भी है चाहे आप डिजिटल में चले जाएँ एग्रीगेटर्स जो हैं बीच में आ, उनका ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है ठीक है इस बिज़नेस को समझना चाहिए क्योंकि अगर आप आज इसकी बेस, आ, बेसिस स्ट्रांग करेंगे तो और म्यूजिशंस भी आएंगे। अब कॉपी का बहुत बेहतर हो गया है यूट्यूब में आपको भी पता है आपका अपना चैनल है आपने उसको सिक्योर किया होगा आप लोगों को अवेयरनेस आ गई है कि सिक्योर कैसे करना है और बड़ी चीज़ें आसान भी हो गई हैं लेकिन Uh, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे लूपहोल्स हैं बट एक अच्छी चीज़ है इन सब में अगर आज ये आर्टिस्ट कोई कहता है जी लेबल नहीं है मैं क्या करूँ स्टूडियो के वो नहीं है मैं क्या करूँ तो वो सब चीज़ें अब अवेलेबल हैं इवन ये जो सेटअप आपने बनाया हुआ है ये आपकी अपनी एक चीज़ है जो आप कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं इसी तरह आप घरों में भी लोगों ने स्टूडियोज़ बना लें बना लिए प्रोडक्शन बहुत एडवांस होगी घर में आप यूट्यूब चैनल पे अगर आपका गाना अच्छा है तो यू कैन बी अ सुपर डुपर हिट वी हैव सीन फ्यू आर्टिस्ट कमिंग फ्रॉम नो वेयर एंड बिकमिंग अवज रेज इन पाकिस्तान उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ एक दो गानों से इतनी ऊपर चली गई तो वो जो अच्छा गाना है अच्छा वीडियो बेशक ना भी बनाए अच्छा गाना है अपना यूट्यूब चैनल बनाए तो आपको यूट्यूब से ही अब कमा लेते हैं हाँ। ठीक है अब आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हाँ। पहले कहते थे कि यार हमें तो वो साइन ही नहीं करते हमें, मौका नहीं मिला। हमें तो मौका ही नहीं मिला या पीटी वी एस टी तो है नहीं, नहीं।, नहीं। हाँ। कि आप उस चैनल पे नहीं आएंगे तो आप हिट नहीं होंगे ठीक है अब सब लोग सोशल मीडिया पे हैं तो आप आज का आर्टिस्ट के लिए एक तरह से आसानी भी है कि वो अपना एक अच्छा गाना बनाए और उसके कॉन्सर्ट्स ऑन हो जाते हैं ठीक है अपार्ट फ्रॉम फ्यू प्लेटफॉर्म्स चले हम कहते हैं वो दो तीन बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनको साइड पे रख देते हैं लेकिन उसके अलावा भी जो आर्टिस्ट हैं वो बहुत बड़े हैं जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अच्छा गाना बनाया अगेन हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं आदत आया कोई प्लेटफॉर्म नहीं था गाना रिकॉर्ड किया एक ऑडियो के एक पेज बनाया ठीक है जल्द द बैंड डॉट कॉम बाय द वे जल्द बैंड की बड़ी इंटरेस्टिंग कि द बैंड द बैंड क्या था और फिर उसके बाद पता नहीं कौन सा दी बैंड दी फिल्म दी वो सब चीज़ें वो उसका यू नहीं मिल रहा था हमें ओके ठीक है जल का जल डॉट कॉम तो मुझे उसने कहा कि जल डॉट कॉम नहीं मिल रहा फ्लानी एयरलाइन का है, इसका है वो। आ, मैंने कहा काल सर जल बैंड रख दें मैंने कहा यार जल्द ही बैंड कर दो क्योंकि उस जमाने में संजय दत्त की वो भी आती हैल्द बैंड की कहानी सिर्फ इतनी है कि वेबसाइट की वो हमें डोमेन नहीं मिल रही बट एनीवे वे वो गाना आया ऑडियो रिलीज किया और वहाँ से हम हिट हो गए तो हम क्यों कहेंगे हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला उसके बाद सारे प्लेटफॉर्म्स मिले हर जगह हर कॉन्सर्ट मिला ठीक है इसी सिमिलरली आजकल के आर्टिस्ट अगर ये कहें यार हमें कोक स्टूडियो वाले नहीं लेते तो बट नहीं लेते तो कोई बात नहीं आप में अग, आप अच्छा गाना बनाएं आप YouTube पे डालें YouTube पे भी उतने ही हिट हो जाते हैं गाने जो शायद किसी बड़े प्लेटफॉर्म से ज्यादा व्यूज हो जाए तो ये चीज़ जो आ, मैं वैसे कहना चाहता हूँ जो नए लोग हैं कि आप अपने काम पे फोकस करें गाना अच्छा बनाएं लोग आज भी सुनते हैं मुझे लोग आके कहते हैं यार आपने फलाने उस आर्टिस्ट का गाना सुना महंगा मैंने नहीं सुना देखें देखे व्लेटफॉर्म पर जाके सो पीपल डू लिसन टू ऑल न्यू सिंगर्स तो ये चीज़ अच्छी है कॉपी राइट येस ऑफकोर्स आपका चैनल है आपने खुद ही राइट से वो आपके हाथ में योर आपका जो सवाल था वो बहुत बेहतर हो गया है अब बहुत बेहतर हो गया आपको पता है कि अब क्या हो रहा है ऑनलाइन सब चीज़ें अवेलेबल है आप फौरन स्ट्राइक मार सकते हो आप स्ट्राइक मार सकते हैं वो चीज़ें बहुत बहुत बेहतर होगी सो so, आजकल के आर्टिस्ट के लिए आई थिंक इट्स इट्स अ ग्रेट ग्रेट टाइम एंड प्लेटफॉर्म कि आप आए और आगे छा जाए <laughs> अगर आपने एक लेजॉय किए तो पूरी वीडियो देखने के लिए कमेंट पे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको वक्त के साथ साथ अपडेट्स मिलती रहे बहुत शुक्रिया